वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं सरेंडर करूंगा पर एनकाउंटर मत करना। जब सरेंडर करना चाहता था माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम। सरेंडर से पहले दाऊद ने कौन कौन सी शर्तें रखी थी? नमस्कार, मैं हूं अकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दाऊद इब्राहिम कसकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, 66 साल का डॉन दाऊद 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। अभी तक आपने डॉन दाऊद इब्राहिम के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दाऊद के सरेंडर का वो किस्सा दिखाएंगे जिसमें डॉन को एनकाउंटर का डर सता रहा था। इस वक्त दाऊद इब्राहिम एजेंसियों के डर से गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। दाऊद ने भारत सरकार से आत्मसमर्पण की गुहार लगाई थी। डॉन दाऊद ने सरकार के सामने कई शर्तें भी रखी थी। इनमें से कुछ शर्तों पर सरकार राजी नहीं थी। साल 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी से बात की थी और सरेंडर करने की बात कही थी। दाऊद ने जेठमलानी के सामने कुछ शर्तें रखी थी। दाऊद ने कहा था, मुझे जेल में न डाला जाए, हाउस अरेस्ट किया जाए, उसका एनकाउंटर ना हो, मुंबई पुलिस द्वारा प्रताड़ित न किया जाए, केवल मुंबई बम धमाकों का ही उस पर केस चलाया जाए। दाऊद ने कहा था, जेल में उसकी जान को खतरा है। मगर उस दौर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने उसकी बात और शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसके विपरीत मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर एमएन सिंह ने एक इंटरव्यू में दाऊद को इस सरेंडर को लेकर कहा था कि वो आत्मसमर्पण को लेकर 1% भी गंभीर नहीं था। वो सिर्फ सरकार और अधिकारियों के बीच भ्रम फैलाने और अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था। वो देश को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो तो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन अधिकारी उसे सरेंडर करने नहीं दे रहे। एमएन सिंह के मुताबिक भारत सरकार ने दाऊद की पहली एनकाउंटर न करने की शर्त मान ली थी और बाकी मांगों को ठुकरा दिया था। हालांकि इन दावों पर सरकार की तरफ से कभी कुछ नहीं कहा गया। वहीं सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी नीरज कुमार ने भी एक इंटरव्यू में इस बात पर कहा था कि मुंबई बम धमाकों के 15 महीने बाद उनकी भी बात दाऊद इब्राहिम से 3 बार हुई थी, जिसमें उसने सरेंडर करने को कहा था। बातचीत के दौरान दाऊद इब्राहिम ने नीरज कुमार से कहा था कि वो भारत लौटना चाहता है, लेकिन उसके सामने 2 दिक्कतें हैं। पहली ये कि उसके विरोधी गुट उसे खत्म कर सकते हैं और दूसरी ये कि सीबीआई उसे सुरक्षा देगी या नहीं, इस बात का उसे डर लगा रहता है। बता दें, कभी मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाला दाऊद इब्राहिम एक बड़ा गैंगस्टर था, जिस पर मुंबई बम धमाकों के बाद आतंकी होने के आरोप लगे हैं, जो आज तक कायम है। हालांकि वो इस वक्त कहां है, इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।